ईडी ने जब्त की महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अमित देशमुख की संपत्ति। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने जब्त की 4,20,00,000 की संपत्ति। ईडी कार्रवाई पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बोला हमला, जेल जाएंगे देशमुख, 100 करोड़ तक की पूरी होगी वसूली। ईडी ने जब्त की महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अमित देशमुख की संपत्ति। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने जब्त की 4,20,00,000 की संपत्ति। ईडी कार्रवाई पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बोला हमला, जेल जाएंगे देशमुख, 100 करोड़ तक की पूरी होगी वसूली। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।